हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? हम बिल्कुल मज़े में हैं और मस्त हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो हमारी वो गाड़ी खड़ी है पीछे, तो कल खाली होगी थी, लोडिंग का अभी बना नहीं प्रोग्राम। तो अभी उठे हैं, सो के चाय चूई पीने जा रहे हैं। उस्ताद जी चल गया वो डब्बे वाला, तो मैं बाद में जाऊँगा, अब जा रहा हूँ। मतलब एक उस्ताद जी आए हुए थे तो गप सप लगा रहे थे, बैठे हुए थे गाड़ी में, तो पानी वाला आया हुआ। देखो पानी खरीद के लेना पड़ता था, 20 रुपये का जेली है। देखते हैं दोस्तों आज बन जाए लोडिंग का प्रोग्राम, फिलहाल जाते हैं चाय पीने। तो आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। देखो गाड़ियाँ खड़ी है उधर, वो खड़ी हमारी गाड़ी पे। और इधर आन आन ये देखो तेलंगाना स्टेट, वेस्ट बंगाल, आंध्र वाले ज़्यादा खड़े इधर। फिलहाल दोस्तों 9:30 हो गए, चाय का टाइम हो गया, चाय पीते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। मज़ा आ गया चाय पी के, मुलायम मुलायम फैन है सारी भाई। सारी शर्माते हो तो कैमरा फेस नहीं कर सकते भाई, क्या बोलो यार। तो दोस्तों चाय पीने आ गए हम, और उस्ताद जी हेलो कर दो, हाय कर दो। हेलो महाराज गुंडा जी, हेलो गुड मॉर्निंग ही बोल दो ना, गुड मॉर्निंग। और हमारे हेलो महाराज कभी हंसी जाने फोन करना ना के, हेलो हाय कर दो, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, कैसे हो? ये सर्टिफिकेट ठीक हो? ये तो भाई इनका तो रिकॉर्ड अपना ही हंसने का है, क्या ही बोले। चाय पीने आए हुए, अभी चाय पिला। तो दोस्तों ये अच्छा ठीक है ठीक चाय ठीक। और ये उस्ताद जी देखो उधर चाय पीने का हंस रहे हैं, मैसेज करते हैं नंबर यार, अरे आ नंबर है ना, अभी देखना ये हंसते रहेंगे देखना। अभी देखते रहना देखते रहना अभी। और इधर इतने बड़े बड़े आंख करके देख रहे हैं कि ओ हो, छोटी छोटी यहाँ करके दिखता है। मुझे है तो है नहीं, खड़ी करी जानते लो लो लो। देखो दोस्तों बेटा क्या नंबर अपने वाले पी लो चाय फिर। ए महाराज चाय तो पी लो, ड्यूटी पे चढ़ गए ना, या तो हिंदी बोल लो या इंग्लिश बोल लो यार। 293 नहीं नहीं एक कहीं 293 देखो आज तो भाई सुनम शान ने पढ़ाई यहाँ पे देखना, अभी जब जाम लगता है ना एकदम लग जाता है जाम दोस्तों यहाँ पर। अभी देखो खाली ही पढ़ाई आज, कल देख रहे थे आप किस तरह से यहाँ पर टी पी थी। अभी सुबह सुबह तो फिलहाल यहाँ पर सुनम शान पढ़ा है, और ये हमारे उस्ताद लोग चले हुए हैं। ये देखो आज तो खाली खाली लग रहा है ये, पर जब जाम लगता है ना एकदम लग जाता है यहाँ पर जाम। हैं नहीं इधर मैं कहा अभी खाली लग रहा है ना, बाद में जब जाम लगता है एकदम जाम लग जाता है। क्या चक्कर है? चाय की भट्टी, चाय की भट्टी साथ लेके चला हुआ भाई ड्राइवरों के लिए। ये खड़ी है हमारी गाड़ी पार्किंग में, और सामने पीछे बिल्डिंग खाली हो गई हमारी गाड़ी, कल की खाली हुई है। और उस्ताद जी लगे फ़ोन में ट्रांसपोर्टर से बात करने। पार्किंग का व्यू दिखाते हैं आपको, ये सारे देखो आंध्र प्रदेश वाले काफ़ी इधर, और पीछे लगता है सीमेंट प्लांट है वो। देखा था नहीं उधर पानी आ रहा। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 12, और अभी तक कोई सलूशन नहीं हुआ, बैठे हुए बोर हो रहे हैं। और कंटेनर वाले उस्ताद जी बैठे हुए यहाँ पर, क्या करें, रात की मार्केट है ना यहाँ पर, रात को 8 बजे के बाद लगती है सुबह की लोडिंग के लिए, तो यहाँ पर दिन निकालना ही बहुत मुश्किल है, ना नहाने को पानी, ना बाथरूम के लिए, क्या ही बोले। और 160 रुपये पार्किंग है भाई, और सुविधा कोई नहीं भाई। देखते हैं बाहर निकालते हैं गाड़ी, खाना खुना खा लेते हैं उसके बाद बाहर निकालते हैं गाड़ी, फिर बताते हैं क्या होता है क्या नहीं। और पीछे देखो सीमेंट प्लांट है, देखो ये बोगिया आई हुई सामान लेकर, देखो राखी लेकर
काफ़ी गाड़ियाँ लगती है दोस्तों, बहुत ही काफ़ी कमाई करता होना यार पार्किंग वाला तो, है ना, एक ही बंदे दे होने की काफ़ी बंदे होने से मैं यार। और सुनाओ दोस्तों, वीडियो तो अच्छी लग रही है ना आपको, तो भाई को अपने सपोर्ट करते रहना फुल, और भाई आपका छोटा लगे रहेगा, लोग पागल भी लग गए अब तो बोलने, क्या ही बोले यार। चलो दोस्तों खाना खाते हैं फिर करते हैं आपसे बात, चलिए फिर खाना खाने, टाइम तो चलते 160 रुपये लग जाने, नहीं हो चलो। ये आ गई दोस्तों हमारे अंडा भुर्जी दाल, बाद फिर आप चेंज कर लो आप ही, अब खा रहे खाना दाल अंडा मिक्स, शादी का भी मेरा भी। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया, अब जाते हैं गाड़ी निकालते हैं बाहर। तो खाने में आज खाया अंडा भुर्जी और रोटी, तो रोटी हमने खा लिया दोस्तों। तो मुझे ना यहाँ पे दाल और मच्छी मिलती है ज़्यादा, मच्छी मिलती है ज़्यादा, इसीलिए अंडे ही खा रहा हूँ मैं तो 2-4 दिन से, अंडे रोटी और दाल बस, बाकी मच्छी हम खाते नहीं भाई, ना उस्ताद खाता ना मैं खाता हूँ। बाकी अब निकालते हैं गाड़ी बाहर, क्योंकि 160 रुपये लग जाएंगे नहीं तो 12-1 बजे के बाद, इससे बढ़िया पहले निकाल लेते हैं गाड़ी यहाँ से, फिर मिलते हैं आपसे। अब निकल रहे हैं दोस्तों हम पार्किंग से बाहर, क्योंकि टाइम होने वाला है दोस्तों पार्किंग का। और भाई पानी पानी है इधर, बुरे हाल है, पार्किंग है ज़बरदस्त है दोस्तों। हॉर्न ऊपर से बजता नहीं इसका, देख सकते हो पूरी पार्किंग भरी है भाई, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं भाई, सबसे ज़्यादा इधर आंध्रा की गाड़ी ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश वाले देखो, अन्य साउथ की गाड़ी ज़्यादा है। पूरी लाइन उनकी है देखो, चारों तरफ गाड़ी गाड़ी उनकी है। ओ चल पे यार, इतने हॉर्न नहीं बजता, टाइम होने वाला इतने। ओ यार इधर रेडी वाले ने भी दिमाग खराब करना, ओ खींच ले इसको, नहीं 160 रुपये लग जाएगा 5-10 मिनट के लिए चक्कर में। उधर रेड़ा है, उधर रेडी है, यही पंगा है इधर, इसको देखो अब खींच रहा है बराबर जब हम खींचते हैं, तो पहले निकाल ले इसको। डब्बे वाला उस्ताद भी चला हुआ है देखो, लगा लिया दोस्तों, और 480 रुपये बने भी पार्किंग के, और 160 रुपये जाते वक्त दिया था, तो 480 और 160 200, 480 500 640 रुपये 3 दिन का भाई, बहुत ही ज़्यादा पार्किंग लगती है। और ये है दुल्लागढ़ के बाहर की मार्केट, अब जाते हैं कहीं लगाते हैं सर्विस रोड पर, देखते हैं ट्रांसपोर्ट वाले है भाई, तो फ़ोन करते हैं। तो यहाँ पे रात की मार्केट रहती है, सुबह लोडिंग के लिए होती है, तो देखते हैं बनता है प्रोग्राम शाम के टाइम की नहीं। और बाहर का व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा है, सामने बॉम्बे हाईवे, बॉम्बे कलकत्ता हाईवे, ये लगी है पार्किंग जीएसटी कार्ड के भाई, 9% GST है,
सेंटर वाले को देखो कितनी जल्दी है यार इसको। चल बट किधर चिपका है, टी टी कर रहा है। यहाँ लगा दिए डब्बे वाले स्थान ने सर्विस रोड में। चलो गाड़ी लगाते हैं दोस्तों, फिर करते हैं आपसे बात। मेरे को लगता है पिकअप वाला जा रहा है। पुलिस वालों की भी हद है यार, 2 मिनट गाड़ी नहीं लगाई और बोलते चलान। हम देख सकते हैं दोस्तों बॉम्बे हाईवे का टोल है आगे, क्या ही बोले दोस्तों। भाई इधर पंप में लगा रहे थे पर इधर भी लगने नहीं दिया, बोलते पार्किंग में ले जाओ, तो पार्किंग में ले जाएंगे गाड़ी। वो खड़ी है मेरी गाड़ी और बाहर बॉम्बे हाईवे। चलो चलो चलो, आन दो। अरे इधर को रखो, वो इधर को रखो यार। किधर नु कट रहा है, इधर ही पीछे आन देंदा उस्ताद यार। वो भी आ गया भाई मोमबत्ती उस्ताद। इसको भी भाई पुलिस वाला तंग कर रहा था। वो आ गया पंप में लगने दिया, वो भी जा गया। इधर नहीं खड़े होने देते भाई, लोकल गाड़ी लगेगी बस, बाहर की गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती पंप में। यहाँ पे सब पार्किंग वाले का चलता है ना काम, इसीलिए। इधर है पार्किंग, इधर लगाते हैं। इधर भी भाई जगह नहीं है, फुल है कम। पंजाब की गाड़ी खड़ी है एक, मेरे को लगता हो। वो कंटेनर वाला उस्ताद बात करके आया, क्या चक्कर है। और चल पड़ो यार, बोले इतना घस्सा ना ठोक दे कोई पीछे से। ट्रैफिक देखो कितनी है पीछे,
ट्रैफिक बहुत है भाई दोस्तों। ये है दोस्तों पार्किंग, देखते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है। अच्छा गोडाउन की तरह ये लग रहा है ना। अच्छा बस अभी खाली पर्ची दे देना ही नहीं, बाद में फिर है ना। ये है दोस्तों पार्किंग, 100 रुपये 6 चक्का, 130 रुपये डब्बे का। पर्ची भी देखो, पर्ची से काटते 1 बज गया इधर ही, इसमें भी 9 बज गया। ये दे दिया है भाई 12:55 का टाइम दोस्तों। पार्किंग तो 24 घंटे का यहाँ पे 100 रुपये, वहाँ पे 12 घंटे का था 160 रुपये भाई। हाँ हाँ, तो ये सीमेंट का भी गोडाउन है मुझे लग रहा है, और बीच में पार्किंग है भाई। तो देख लो भाई जगह की वैल्यू इधर। सीमेंट का गोडाउन है मेरे को लगता है। TS तेलंगाना स्टेट वाले भी हैं भाई इधर। ओहो, अंदर तो किचड़ी किचड़ी यार, इधर इधर भी भाई किचड़ी किचड़ी है। कच्ची पार्किंग है क्या ही बोले दोस्तों। ये किधर को जा रहा उस्ताद यार, सीधा जाना था आगे मेरे को लगता। देखो भाई 100 रुपये पार्किंग देनी है, फिर भी किचड़ ही किचड़ है भाई, देख सकते हो भाई। सीमेंट प्लांट है दोस्तों ये। ये खड़ी हमारी अब गाड़ी यहाँ पर, अब देखते हैं नहाने धोने का प्रोग्राम पानी होगा कि नहीं यहाँ पर। तो 100 रुपये 24 घंटे के यहाँ पर दोस्तों, और 130 रुपये डब्बे का भाई 24 घंटे का, वहाँ पर 12 घंटे के 160 रुपये थे भाई।
ये देखो 100 रुपये वाली पार्किंग, सारा कीचड़ ही कीचड़ है यार, क्या ही बोले। चलो आ जाओ, यहाँ पार्किंग यार क्या फायदा 100 रुपये, उससे करा तो 160 रुपये ठीक था, उतने जगह तो है नहीं इतने यार, किचड़ी किचड़े बोले। ये देखो पार्किंग, अरे इतना लंबा गाड़ी कहाँ लगा बच्ची, सारे ने लगा ली, पहले पता होता तो उधर बाल लेने थी, क्या फायदा यार, पैसे दे के भी सुविधा ना मिले क्या फायदा, क्या करे भाई, पार्किंग ऐसी है इधर बंगाल में, जगह है नहीं, किचड़े किचड़े, वो देखो पार्किंग का हाल, तो वैसे हो रहे पर एडजस्ट करके लगा रहे हैं गाड़ी दोस्तों, क्या करे, पैसे भी दो फिर भी सुविधा नहीं है। हैं जान दो आगे, ओ जान दो आगे, जान दो जान दो जान दो जान दो और जान दो आगे, वो जान दो अपनी साइड रख के, पीछे लेके ना और दबा लो, आन दो, चलो चलो और आन दो, वो थोड़ा जा आन दो बस। हम तो यहाँ पर सुखे में गाड़ी लगाकर शेर बने थे, मैं कहा बढ़िया जगह मिल गई, पर यहाँ पर कंपनी की जगह है भाई, नहीं लगने देते, अब लगाते पर डब्बे के पीछे। 5 बजे गए, उठ जाओ, चलिए हूँ ना, सो गए यार आप, जरे चाह पिया, चलिए मैं सोता, तू सोता पहला, 5 बज गए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी, हम बिल्कुल मज़े में हैं और मस्त हैं, 5:30 हो गया, अभी सो गए थे हम दिन में दोस्तों, अभी उठे हैं, देखो डब्बा लगा, डब्बे के पीछे मेरी गाड़ी है, तो अब जाते हैं चाय पीने, फिर देखते हैं आगे ही कार्रवाई क्या करते हैं, चाय चू पी के आते हैं, फिर नहाते धोते हैं, दिन में नहाने का प्रोग्राम बना के गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरे फ़ोन देखते देखते सो गए हम दोनों, तो अभी उठे थे, चलो पीते चाय फिर जाते हैं बाहर। देख सकते हो जाम दोस्तों, बम्बे हाईवे का, कोलकाता बम्बे हाईवे है, ये पूरा रोड बंद है, देखो दोस्तों, ट्रैफिक जाम बहुत ही तगड़ा जाम लगेगा, ये पूरा रोड भरा हुआ है इधर, अब किधर गड्डी को जाना। दोस्तों हम जा रहे हैं खाना खाने और ट्रैफिक देख सकते हैं रोड में भाई, पार्ला रोड तो भाई बंद ही रहता है, जाम ही जाम, आगे ट्रैफिक सिग्नल है ना टूल टैक्स के साथ, तो उस करके जाम लगा रहता है उधर को, देख सकते हो कलकत्ता की मार्केट, काफ़ी ट्रैफिक है भाई, और दोस्तों शाम के बज गए 8 और पीछे लगा हुआ है जाम, और खाना खाने आए हुए
और दोस्तों बोर हो गए, ना नेटवर्क है फ़ोन के, ना सिग्नल, ना कोई वीडियो देख सकते हैं, टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। ये तो डब्बे वाला उस्ताद है, तो चलो गप सप मारते रहते, बैठे रहते दिन भर, क्या करें, टाइम स्पेंड करना ही बहुत मुश्किल है। ना नहाने को पानी है इधर, आज पार्किंग में आए तो पानी है इधर, सुबह नहाएंगे धोएंगे फिर देखते हैं, कलकत्ता जाएंगे कल घूमने, कोशिश करेंगे टाइम निकालने की। ये आ गए हम होटल में, ये होटल है पीछे, देखते हैं क्या है बना हुआ इधर। पर इधर मच्छी चावल ज़्यादा खाते हैं बंगाल में भाई, क्या करें, और हम है वैष्णो आदमी, देखते हैं। आ गए हम होटल में खाना खाने, होटल में रस पूरा पड़ा हुआ है। दोस्तों अपना तो रोज़ की तरह अंडा भुर्जी रोटी, और एक ले लिया आज बियर, खा रहे खाना, फिर करते आपसे बात। हेलो दोस्तों, हम खाना खुना खा के फ्री, अंडा भुर्जी और चार रोटी, अब चलते हैं गाड़ी में। और भाई ट्रैफिक बहुत है यार इधर, क्या ही बोले दोस्तों, तो हमने खाना इंजॉयमेंट फुल है। एक तो 60 रुपये दो भाई, हाँ मेरे कितने बजे, मेरे 5 रोटी, एक साठ रुपये कर लेंगे। आपने देने पे पैसे दो, 160 रुपये खाना खाया उन्होंने। अरे माल के पैसा कटाया रे, हाँ तो खाना खुना खा लिया दोस्तों हमने, हाँ ये 40, 20, 60, 160 तो दोस्तों हमने खाना खुना खा लिया है बंगाल में वेस्ट, और इंजॉयमेंट। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, आपको वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।